हाय फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के स्टेशन में आपका स्वागत है। अभी तक अपने स्टेशन में पढ़ चुके हैं बालकैनों और हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसके साथ ही जो उसका बेसिक पार्ट होता है या कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम कह सकते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माउंटेन, पर्वत क्या होता है। तो पर्वत आप लोग सोच सकते हैं, तब तक पर्वत क्या होता है, माउंटेन पर्वत। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पर्वत क्या होता है। पर्वत धरातल पर अवस्थित ऐसे ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं जो अपने आस पड़ोस के क्षेत्र से सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, मतलब 1 किलोमीटर से ऊंचे होते हैं, और शीर्ष शंक्वाकार होता है जैसे ढाल तीव्र होता है। तो यहाँ पे मैं फिगर से शो अप कर देता हूँ क्या होता है। ये मान लेते हैं ये भी हम पहाड़ कहेंगे। ये शंक्वाकार रहेगा तो इसको हम पठार ही बोलेंगे, शंक्वाकार होना चाहिए। ये शंक्वाकार यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे होता है, ये शंक्वाकार पठार होता है। तो मतलब 1000 एबव होना चाहिए, इसकी जो डिस्टेंस है अपने आसपास के क्षेत्र से 1000 के अबव होनी चाहिए। तो पर्वतों को उनके आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पर्वतों को हम बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो ये टू पार्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, टू पार्ट्स हम कह सकते हैं, दी आर टू पार्ट्स। तो हिंदी में हम अगर बोलें तो इसके जो दो भाग हैं, वर्गीकरण जो दो भागों में किया गया है, इसका पहला पार्ट होता है निर्माणकारी प्रक्रिया के आधार पर, निर्माणकारी प्रक्रिया के आधार पर। तो ये हो गया हमारा निर्माणकारी प्रक्रिया के आधार पर। और दूसरा जो होता है वो होता है निर्माणकारी घटना के आधार पर। तो निर्माणकारी घटना के आधार पर। तो आप लोगों को जब बेसिक ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही थी तो उसमें बिल्कुल उस माध्यम से आप समझ पा रहे होंगी पर्वत पठार कैसे निकल पाते हैं, क्योंकि वही सब चीज़ें यहाँ पर भी लागू होंगी। तो पहला वाला पोर्शन हम लेते हैं निर्माणकारी प्रक्रिया के आधार पर। तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ है, तो निर्माणकारी प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को भी हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि बलित पर्वत होता है, मोड़दार पर्वत होता है, युवा पर्वत होता है, बलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, युवा पर्वत। तो ये चीज़ पहले आपको बताई भी जा चुकी है कि जब प्लेटें जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच अवस्थित मलबा संपीड़न बल के कारण वलित होकर ऊपर उड़ जाता है, जिसे हम वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। वलित या मोड़दार पर्वत वर्तमान समय में विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत वलित प्रकार के ही हैं। जैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को लेते हैं, हिमालय का निर्माण यूरेशियन द्रव्य तथा इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। तो यूरेशियन प्लेट जो यहाँ पे थी और इंडियन प्लेट थी, उन दोनों प्लेटों के टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ था। तो विश्व के अगर प्रमुख पलित पर्वत की बात करें हम, तो राकी होता है, जैसे राकी हो गया, ये राकी हमारा उत्तरी अमेरिका में रहता है, ये भी एक प्रकार का पलित पर्वत है। और इंडीज पर्वत है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये भी पलित पर्वत का एक उदाहरण है। हिमालय है, हिमालय, अल्पस, इंडस, हिमालय, अल्पस, इंडस, सॉरी यूराल होता है, यूराल है जो कि एशिया और यूरोप की सीमा को अलग करता है, यूराल। और एक होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है।
तो पर्वत यहाँ पे अवरोधी या ब्लॉक पर्वत भी एक होता है, अवरोधी बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण तब होता है जब धरातल के किसी भूभाग में तनाव अथवा खिंचाव शक्ति द्वारा धरातल का कुछ भूभाग किसी भ्रंश तल के सहारे ऊपर या नीचे सरक या खिसक जाता है। इस प्रक्रिया में ऊंचे उठे भूभाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। देखिए, अगर ये एक रिफ्ट घाटी है ऐसे होने चाहिए, यहाँ से रिफ्ट घाटी है तो अगर इसमें खिंचाव होता है, अगर इनमें खिंचाव होता है तो भी एक ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। ये ब्लॉक माउंटेन्स हो गए और ये भी ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो ब्लॉक पर्वतीय चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं जिसके कारण उनमें भूस्खलन कम होता है। विश्व के प्रमुख ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करें तो प्रमुख ब्लॉक पर्वत होते हैं हमारा सियरा, एक होता है सियरा नेवारा वसाच रेंज यूरोप ब्लैक जो कि फारेस्ट तथा वासजेज है। तो भारत में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट विंध्याचल तथा सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत की निशानी है। तो भारत में हम इम्पोर्टेंट है जो उसे लिख लेते हैं यहाँ पे, विंध्याचल तथा सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है, विंध्याचल तथा सतपुड़ा विंध्याचल तथा सतपुड़ा ये ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद कुछ पर्वत होते हैं गुंबदाकार पर्वत होते हैं, कुछ पर्वत गुंबदाकार पर्वत। तो गुंबदाकार पर्वत ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका आकार गुंबद की भांति होता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लगने वाले आंतरिक दाब से होती है। गुंबदाकार पर्वत का प्रमुख उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार तथा ब्लैक हिल्स। तो गुंबदाकार पर्वत में एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये सिनसिनाटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन है, तो ये है सिनसिनाटी उभार तथा ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड नंबर है ब्लैक हिल्स। ब्लैक हिल्स ब्लैक हिल्स और कुछ संग्रहित पर्वत होते हैं, संग्रहित पर्वत तो यहाँ पे संग्रहित पर्वत भी लिख दे रहा हूँ, ये है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले लावा विखंडित पदार्थ के जमने से जो शंकुनुमा आकृति बनती है उसे संग्रहित पर्वत कहा जाता है। जैसे म्यांमार का पोपा, तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाला लावा विखंडित पदार्थ के जमने से, जैसे ज्वालामुखी लगातार निकलता रहता है तो विखंडित पदार्थ जो जमा हो जाता है तो उसे एक शंकुनुमा आकृति बन जाती है, उसे हम बोलते हैं संग्रहित पर्वत। ये शंकुनुमा आकृति बन जाती है, शंकु जैसे आकृति बन जाती है, मतलब ऐसे ऐसे, तो इसे हम बोलने लगते हैं संग्रहित पर्वत। तो इसका एग्जाम्पल रहता है म्यांमार का पोपा पठार। ये जो म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा हो गया, इक्वाडोर का कोटा पैक्सी, तो पर्वत और पठार का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपको बताया जाएगा, और उस टॉपिक में कुछ अल्पाइन पर्वत रहेंगे, और उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वर्ल्ड के मैप में, विश्व के मैप में पूरे पठारों को दर्शा कर दिखाया जाए उनके नाम सहित। तो चैनल
अगर आप इस YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना आवश्यक होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वीडियोज को शेयर करें ताकि इन सभी वीडियोज का लाभ आपके सभी दोस्तों को भी मिल पाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।